भाई बहन का प्यार यूं तो हर दिन होता है, लेकिन भाई बहनों के प्यार को और ज्यादा बढ़ाने और जताने के लिए त्योहार एक अहम मौका होता है। ऐसे में सर्दियों में मनाए जाने वाले त्योहार भाई दूज की बात ही अलग है। भाई दूज गोवर्धन पूजा के अगले दिन मनाया जाता है। इसको यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाकर भोजन करते हैं और बहनें अपने भाई को यमदेव के प्रकोप से बचाने के लिए उन्हें तिलक करती हैं। हमारे रीति रिवाजों में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार को मनाने का एक तरीका है, एक परंपरा है। भाई दूज मनाने के दौरान भी हम कुछ ऐसी ही परंपराओं को निभाते हैं। इस दिन अनजाने में हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि यमदेव गुस्सा हो जाए। और भाई की सलामती के लिए मनाया जाने वाला पर्व अशुभ हो जाए, इसलिए भाई दूज के दिन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। अगर आपकी बहन हो तो भाई दूज के दिन भाई को अपने घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। अगर बहन के पास पहुंचना मुमकिन ना हो सके तो गाय के पास बैठकर भोजन करना चाहिए। इसके अलावा भाई दूज के दिन बहन को अपने भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी भाई को अपनी बहन से झगड़ा करना चाहिए। भाई दूज के दिन बहन खाने के लिए कुछ भी बनाए तो भाई को खुशी खुशी खा लेना चाहिए। मान्यता है कि भाई ने अगर बहन के खाने का अनादर किया तो पूरी जिंदगी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही बहन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी भाई के दिए उपहार का अनादर ना हो। भाई दूज के दिन अपनी बहन से झूठ तो बिल्कुल भी ना बोलें। ऐसा करने से आपको यमराज के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दिन मांस और मदिरा का सेवन करना भी यमदूत को नाराज कर सकता है। सबसे अहम बात ये कि भाई दूज के दिन बहनों को भाई को तिलक लगाने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए, यानी कि जब तक भाई को तिलक ना लग जाए बहन को निर्जला ही रहना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से भाई बहन के बीच प्यार बढ़ता है और साथ ही रिश्ते में और ज्यादा मजबूती आती है। इस वीडियो पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।